अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, आज आपके लिए आ गई है एक और वीडियो जिसमें मैं आपको अगेन दिखा रही हूँ हाथ का काम है और ये लिबर्टी मार्केट लाहौर में ही है। और ये देखें जी, जो सबसे पहले मैं शॉप में आई हूँ और उसमें ये छोटी एक बच्ची का गाउन बन रहा है और ये उसका जो है वो ऊपर जो बॉडी होती है उसके ऊपर काम हो रहा है और साथ में बाजुओं का काम है। तो ये तिल्ले के सारा मशीन का कढ़ाई है और उसके ऊपर जो है वो हाथ से मोती और सितारे लग रहे हैं। तो ये मुझे इतना क्यूट लगा। छोटा सा ड्रेस है। अभी इसकी मैं आपको आगे इसका जो नीचे फ्लेयर है उस पर भी दिखाती हूँ, मज़ीद जो डिटेलिंग हुई हुई है, इसका काम हुआ हुआ है। तो ये देखें जी, ये है इसका बाकी पूरा जो नीचे का गाउन का जो फ्लेयर है उसके ऊपर आप काम देखें। अच्छा खासा हैवी काम है और ऐसे लग रहा है जैसे किसी कोई ब्राइडल ड्रेस होता है उसको बड़े को छोटा कर दिया गया हो। तो ये देखें जी, इसका क्लोज़अप, इसमें तिल्ला है, मोती हैं और सितारे उनका काम है। और इसकी जो इन्होंने मुझे मेकिंग बताई थी वो इन्होंने मुझे 18,000 इसकी मुझे मेकिंग बताई थी। और ये देखें, साथ में एक और कारीगर बैठे हुए हैं और ये जो है इस केप का बन रही है। और केप का देखें, ये एक इनके पास डिज़ाइन था उसका जो है वो एक सैम्पल रेडी हो रहा है। तो ये देखें कितना खूबसूरत इसमें ये इन्होंने काम किया। और स्पेशली ये जो फ्लावर्स हैं ना नीचे, ये एक नया स्टाइल निकाला कि इन्होंने सितारों का, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दो दो तीन तीन सितारे पर रो के तो वो एक पेटल बनाते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट आता है उसमें काम का। तो ये देखें, ये मुझे इन्होंने कारीगर ने दिखाया कि जी ये हमारे पास सैम्पल है जिसको हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के साथ उसमें अपना टच दे रहे हैं और डिज़ाइन उसमें चेंज हो रहा है। तो मैंने इसकी उनसे कॉस्ट पूछी, प्राइस पूछी, तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी प्राइस फाइनल नहीं है क्योंकि अभी जो है हम इसको रेडी कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट पीस रेडी हो रहा है। तो वो जब रेडी हो जाएगा तो फिर उसमें हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आई है और फिर हम उसकी कितनी मेकिंग रखेंगे। तो लेकिन है, ये देखें, ये वाला पीस भी खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगा कि जो कारीगर इसको कॉपी कर रहे हैं वो वाला स्टाइल जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो नंबर इनका डिस्प्ले हो रहा है, आप इनसे अगर कोई रابطہ करना चाहें तो आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। साथ में ये देखें, ये दूसरे अड्डे के ऊपर एक कमीज़ लगी हुई थी ग्रीन कलर, कलर कितना खूबसूरत फ्रेश कलर है, बॉटल ग्रीन कलर, और उसके ऊपर भी ये सारा जो है तिल्ले दबके का रेशम का काम हो रहा है। तो ये भी इन्होंने पहले एक और शर्ट रेडी की हुई थी, उसको थोड़ा सा ये इसका स्टाइल चेंज करके इसको शर्ट को बना रहे हैं। तो ये देखें जी, इस तरह का काम होगा पूरी शर्ट के ऊपर, पहले जो है वो रेशम की सारी आउटलाइनिंग होके उसके अंदर ये कोरे दबके का काम सारा फिल होगा। तो ये देखें, ये भी इन्होंने ही बनाई हुई है शर्ट, और इस पे ये तो पूरी शर्ट के ऊपर एज इट इज़ सारा डिज़ाइन है ना, तो स्किन कलर वाला, और बैक के ऊपर भी काम है, लेकिन जो ग्रीन है उसका उन्होंने स्टाइल थोड़ा चेंज किया, वो सेंटर पैनल में इस तरह हैवी काम आएगा और साइड पे ये थोड़ा थोड़ा हल्का सा इन्होंने स्प्रे दिया है, बूटी डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इन्होंने स्टाइल डिफरेंट किया है। तो काम देखें कितना खूबसूरत है और कितना बारीक और डेंस काम किया है, और इसकी इन्होंने मेकिंग 45,000 बताई थी। बाकी आप काम ज़्यादा करा के तो अपने बजट के अकॉर्डिंगली इस चीज़ को ला सकते हैं। अब ये एक और अड्डे पे देखें, ये काम हुआ हुआ था। ये मैंने इनसे पूछा कि जी, ये मैं अभी से पूछ रही थी कि इसकी मेकिंग क्या है, तो उन्होंने बोला कि जी ये एक किसी का पुराना सूट था, उसको हम नया कर रहे हैं। अब ये देखें, इसकी शर्ट भी रेडी है। तो पुराना सूट का मतलब उनका कोई पुराना काम हुआ हुआ सूट था, तो उसके ऊपर ये एप्लिक अपना काम कटवा के तो काम को एक नए कपड़े के ऊपर एप्लिक करवा रहे हैं। तो ये जब इन्होंने मुझे बोला है तो मुझे फिर एहसास होना शुरू हुआ कि हाँ जी, ये वाकई उसके ऊपर पैच वर्क हो रहा है, अदरवाइज़ ऐसे ही लग रहा था कि ये इसको इन्होंने ख़ुद से सारा बनाया है। तो उसके साथ ये देखें, एक और वही म्यूज़ का डिज़ाइन आ गया। ये देखें जी, ये उसकी पिक्चर है और उसको एग्जैक्टली डिटो सेम वही कलर बेस का भी और जो ऊपर काम है उसका भी सेम वही कलर बन रहा था। तो ये देखें, पूरी फुल शर्ट का व्यू देखें आप, इसके बाजू भी इसी तरह फुल लेनर ने मुझे बताया था, और ये शर्ट के ऊपर भी जो है वो सारा काम अभी ये इसके ऊपर कर रहे थे, और ये अभी मज़ीद जो है ना वो शर्ट फिल होगी, उसके ऊपर थोड़ा बहुत पर्ल्स का भी काम आना है, और नीचे जो है वो थोड़े इन्होंने सितारों के ये फूल बनाने हैं, जिस तरह ये आपको पिंक फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह ये नीचे येलो और ग्रीन फ्लावर्स भी हैं जो कि इन्होंने बनाने हैं। तो इसकी मेकिंग इन्होंने मुझे 18,000 बताई थी, फुल बाजों के ऊपर भी इसके काम है। तो नंबर जो है वो इनका मैं अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाएगा, अगर आपने इनसे रابطہ करना हो तो आप इनसे रابطہ कर लीजिएगा। और मज़ीद इन्होंने कहा था, अगर आपके पास अपना भी कोई डिज़ाइन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, वो भी बन जाएगा।
तो ये इनके पास एक मुझे वेलवेट का पीस भी नज़र आया। ये वेलवेट के ऊपर ये देखिए सिर्फ नेक बना हुआ है, तो ये भी एक अच्छा डिफरेंट सा लगा था। इसकी मेकिंग इन्होंने 12,000 बताई है। इसमें मोती, सितारा और कट दाना उसका सारा मिक्स काम था। तो ये नंबर ये मुझे लिख के दे रहे हैं, आप इनका नंबर नोट कर लें और इनसे अगर आपने रब्ता करना है तो आप काइंडली इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो जी ये देखिए एक और म्यूज़ का डिज़ाइन आ गया ब्लैक के ऊपर। अभी मैं आपको इसका पिक्चर दिखाती हूँ जिसको ये कॉपी कर रहे हैं। ये आपने शायद मेरी वीडियो में पहले भी देखा होगा, तो लेकिन ये एक और पीस बन रहा है। इसको ज़रा डिफरेंट स्टाइल से ये बना रहे हैं, क्योंकि पहले वाला भी जो है उसमें कलर्स जो है वो ज़्यादा थे। अब इसमें सिर्फ ये 2-3 कलर्स का कलर्स चेंज करके तो इस पीस को ये बना रहे हैं। तो इनका नंबर भी मैंने डिस्प्ले कर दिया है, आप इनसे रابطہ कर सकते हैं अगर आपको फर्दर कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, और अपना भी कोई आप डिज़ाइन दे के या म्यूज़ का ही अगर आपने कोई बनवाना है, या अगर कोई और भी आपके पास डिज़ाइन है तो वो भी आप इनको दे के बनवा सकते हैं। तो ये देखें जी एक और शर्ट पीस मुझे एक डिफरेंट लगी है। ये इसके ऊपर पर्ल्स का और रेशम का कट दाना सितारा मोती उसका काम है। ये सारा ये पूरा ये इस तरह पैनल्स बने हुए हैं, और इसकी मेकिंग जो है इन्होंने मुझे 30,000 बताई थी। और इसका जो है वो बैक पे भी इसी तरह काम होगा, जिस तरह ये आपको पैनल नज़र आ रहा है ना, फ्रंट पे लाइंस नज़र आ रही हैं, ये एक बैक पे भी इसी तरह काम है। अच्छा इसमें ये देखिए जी आगे आपको सेंटर में स्लिट्स टाइप नज़र आ रहे हैं ना, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। सेंटर में ये आपका पैनल एक सेपरेट भी बन सकता है, भैया आपकी अपनी चॉइस है, आप इस चीज़ को मर्जी डिज़ाइन को लेके चल सकते हैं। तो ये देखें जी एक इन्होंने मुझे एक और दिखाया, ये फ्रॉक बना हुआ है और ये हुसैन निहार का डिज़ाइन है, और ये फ्रंट और बैक से फ्रॉक का सेम डिज़ाइन है। ये ऊपर बॉडी के ऊपर इस तरह काम आएगा और नीचे जो है वो सारी इस तरह स्ट्रिंग्स जा रही हैं। तो इनका भी नंबर डिस्प्ले हो गया, अगर आप इसको किसी भी और कलर में बनवाना चाहते हैं तो वो आप बनवा सकते हैं। ये इसके बाजू हैं, बाजू इन्होंने लाइट कलर में दिए हुए हैं, और उसके ऊपर ये सारा जो है ना, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने आपको मोतियों का काम दिखाया था, ये भी वही है सारा। इसमें सितारा थोड़ा है और मोती ज़्यादा है। तो ये देखिए जी ये एक और शॉप आ गई है, इसमें ये है दुपट्टे मिल रहे हैं, और ये दुपट्टे ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ इसके ऊपर स्क्रोलिंग हुई भी है तिल्ले की, और उसके ऊपर पर्ल्स और सितारे का काम है सारा। और ये इसकी कीमत है 5,500, और इसको आप जो है वो किसी भी कलर में आप सिंगल कलर में भी बनवा सकते हैं, अगर आप 2-3 कलर में आपने बनवाना है आप उसमें भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी कलर देकर ये ऑर्डर पर बनवा सकते हैं। तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग वाले इनके पास दुपट्टे थे, और एक ही जो ये हैंड पेंटेड चल रही है, देखिए इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई थी, इन्होंने ये बनाए हुए हैं दुपट्टे, तो ये भी बट इसकी प्राइस डिफरेंट होगी। उसके लिए आपको इनसे रابطہ करना होगा, और नंबर जो है वो मैंने डिस्प्ले कर दिया, आप इनसे रابطہ करके पूछ सकते हैं। ये देखें वेलवेट के ऊपर जो है वो एक और मुझे आर्टिकल नज़र आया था, ये बहुत लाइट सा, क्योंकि वेलवेट की डिमांड थी, तो उसमें जैसे जैसे मुझे पीस नज़र आते जाते हैं मैं दिखाती जाती हूँ। तो ये इसकी इन्होंने 15,000 जो है इसकी मेकिंग बताई थी। ये पूरा ऐसे नेक बना हुआ है आगे, और उसके ऊपर स्ट्रिंग्स छोटी बड़ी है, देखें इसमें नाग है, मोती है, सितारा कट दाना उसका सारा काम है। ये कारीगर एक और जो है वो इधर काम कर रहे थे, तो वो मुझे बड़ा डिफरेंट सा लगा। मैंने उनसे पूछा ये क्या बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं साड़ी का ब्लाउज़ बना रहा हूँ। तो ये देखें जी एग्जैक्टली उसको कॉपी कर रहे हैं, सेम ये लग ही नहीं रहा कि ये जो पिक्चर वाला है ये इस कारीगर ने नहीं बनाया हुआ, ये बिल्कुल डिट्टो वही चीज़ लग रही है। और मैंने तो करीब से देखा है तो बिल्कुल सेम बना रहे थे ये, और ये आगे फ्रंट और बैक से जो है ये सेम ब्लाउज़ इसी तरह काम वाला बनेगा। और इसकी मेकिंग इन्होंने मुझे 18,000 बताई थी। इसमें गोटा, मोती, सितारा उस सब का काम है। ये एक म्यूज़ की तरह का एक और काम है, ये देखें ये 20,000 ने मुझे मेकिंग बताई थी, और इसके साथ ट्राउज़र भी है, और दुपट्टे पे भी हल्का फुल्का काम है जैसे स्प्रे मिलता है दुपट्टे के ऊपर। तो ये भी एक खूबसूरत जो है वो आर्टिकल लगा था। ये नंबर देखिए जी इनका आप नोट कर लें अगर आपने इनसे कॉन्टैक्ट करना है। तो ये साथ में ये चलते चलते ये मुझे और नज़र आए थे ये कारीगर, ये भी वही म्यूज़ के डिज़ाइन बना रहे हैं। ये पर्पल कलर मुझे अट्रैक्ट किया था, तो मैंने कहा आपको ये भी एक कलर दिखाते जाएं, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो लाइट कलर्स
पे देखी है, म्यूज़ का काम होता हुआ, तो इस तरह के ब्राइट कलर पे नहीं देखा, लेकिन ये अभी बन रहा था, इन प्रोसेस था, तो इसलिए ये बन के कैसा लगता है ये बाद में ही पता चलेगा। बट ऑब्वियसली बेस कलर अच्छा है, तो उसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन जो शॉकिंग पिंक और ग्रीन यूज़ कर रहे थे तो वो अच्छा लगना था। ये इन्हीं के पास एक और म्यूज़ का आर्टिकल बन रहा है, और ये पिंक के ऊपर, ये मैंने आपको पहले भी एक दिखाया डिज़ाइन, ये वही वाला बन रहा है। तो ये देखें, ये इन्होंने मुझे ये अंकल दिखा रहे थे कि जी ये एक शर्ट पीस है, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, तो मैं उनसे पूछी थी कि ये साइडों पे नीचे क्या है, तो कहते हैं ये पॉकेट्स हैं बनी हुई, जो सी सी नज़र आ रहा है ना आपको गोल राउंड में, तो ये किसी ने शर्ट बनवाई है पॉकेट्स के साथ, पॉकेट्स के ऊपर काम है, और आगे दो उन्होंने गले पे मोटिव्स बनवाए हैं, तो ये भी किसी का काम लगा हुआ था। ये देखें, ये बिल्कुल शर्ट रेडी हो गई है, और इसका शर्ट काम का क्लोज़अप देखें, ये कितना मतलब नफीस काम किया हुआ इन्होंने, और इनका नंबर भी जो है ये देखें, ये मैंने डिस्प्ले कर दिया, ये आप इनसे कांटेक्ट करके तो आप फर्दर जो है कोई भी अपना डिज़ाइन देके भी आप इनसे बनवा सकते हैं। तो जी, आज की उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो अपने मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। चलते चलते ये देखा जी, ये लड़कों के भी मुझे जैकेट्स नज़र आई थी, इनको आप हेयर लेडीज़ में भी जो है लॉन्ग शेरवानी स्टाइल में बना सकते हैं। तो चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।